तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जो हम टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, देखिए जो है आप YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से काफ़ी चैनल हैं और काफ़ी चैनल हर तरीके की अलग अलग तरीके से अपना जो है समझाते हैं। कोई जो है इस तार्क से बताता है, कोई यहाँ 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 से बताता है, ठीक है, कोई जो है यहाँ से बताता है। लेकिन बट तो ये हो जाता है कि जो है हम अगर यहाँ से बजा रहे हैं तो हम फिर गाएंगे कैसे, ये समझ में ही नहीं आता है। हमने इनका देखा तो हमारी ये समझ में आया कि इन्होंने यहाँ से गाया, किसी ने ये देखा तो इनका देखा, दूसरे का देखा तो वो यहाँ से बता रहे हैं। अब यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ तक यहाँ से सीखते हैं, फिर यहाँ से सीखते हैं, यहाँ से सीखते हैं, बट जो है सुर कभी पकड़ ही नहीं पाते हैं, इसलिए जो है निराशा हमेशा हाथ लगती रहती है। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखते जाइएगा, आज हम क्लियर कर देंगे जो है कि आपको कहाँ से जो है, अगर हमारे पास 4 लाइन की हारमोनियम है तो हम कैसे गाएंगे, अगर हमारे पास जैसे सिंगल रीड की हारमोनियम है, डबल रीड की है, तो हम कैसे कैसे उसे चीज़ को गाएंगे और कहाँ से अपना सुर मिलाएंगे, ठीक है। तो जो है आइए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास क्या नाम है तुम्हारा, विशाल। विशाल, ये आए हैं गोला कुआं एटक से आए हुए हैं, और जो है बहुत अच्छा जो है यूट्यूब से इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और कुछ काफ़ी कुछ सीखा है, तो इनका देखते हैं जो थोड़ा बहुत ये बजाएंगे, फिर इनका गाना भी तुमको जो गाते हैं कि नहीं गा पाते हैं ये कंफर्म क्लियर करवाएंगे कि देखिए किस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा सीखी, हर चीज़ को सीखा, लेकिन बट क्या है जो इन्हें गाने में थोड़ी समस्या हो रही है। कुछ बजा कर दिखाओ, कोई चीज़ बढ़िया बजा के दिखाओ, ऐसे लग रहा है हमने। देखो मतलब जो है ये अच्छा, बहुत अच्छा बजा लेते हैं लेकिन बस गा नहीं पाते हैं, कुछ बजा कर दिखाओ। फिर से बजा दो, जहाँ से किए हैं, यहाँ चलाएं जहाँ से किया है। और कुछ मालूम है, एक दो और बताओ। इन्होंने जो है बहुत अच्छा गाया, कुछ गाकर बजा सकते गाकर नहीं हो मतलब गाकर गाने का जो है सिर्फ YouTube पर इन्होंने देखकर और बहुत अच्छा बजाया हर चीज को, पर इन्हें गाने में दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ से हम यहाँ से बजाया, इन्होंने यहाँ से बजाया, ठीक है, यहाँ से गवाएंगे तो गा लोगे, यहाँ से आवाज मालूम, यहाँ पर अब यहाँ से गाओ। कुछ भी गाओ, ये नहीं कोई चीज गाओ यहाँ से, तो जो यहाँ से गाने में दिक्कत बहुत हो जाएगी, अब यहाँ से कोई चीज बताए तो थोड़ा आराम हो जाएगी, ये क्लियर है, ठीक है। तो हमें यहाँ से गाने और यहाँ से बजाने से यहाँ से कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है,
जो है हम जो है यहां से गाएंगे, ठीक है? कुछ भी गाएं कि आश करी कोई गाँव ऐसे ही कुछ मालूम है। आस लगी बहुत सुंदर है। आश करी बड़ी भारी चले मुरारी, शाम नहीं ना बन जा तेरे गालोगे आराम से गालोगे यहाँ से, अगर इस चीज को यहाँ से बजाएं गाओ। लेकिन तुमने तो बाजा यहाँ से सीखा है तो कैसे दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ से जो है कोई चीज को हम यहाँ से सीखेंगे, तो यहाँ से अगर हम कोई सी ट्यून सीखते हैं तो हम दुगन में वो ट्यून यहाँ पर दे सकते हैं। पता लगा तुम यहाँ से गा रहे हो और यहाँ से ट्यून दोगे तो फिर जो है सब गड़बड़ हो जाएगा, जो है फिर जो है मतलब जीरो पॉइंट में आ जाओगे। तो जो है हमें क्लियर ये देखना है कि हमें कहाँ से गाना है। तो उस चीज को यहाँ से लोग बता रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं, तुम्हें यहाँ से सीख के क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है। आप चैनल पर कमेंट करके बताइए जो है हमें जो है एक एक दो तीन और चार चौथी काली से हमें बताओ, ठीक है? तो फिर जो है कुछ ज़्यादा समझ में आया। अगर गा लो, अगर मतलब देहाती लाइन गा रहे हो तो, और वैसी भी गा रहे हो तब भी, क्योंकि हर व्यक्ति का गला जो है यहाँ तक आराम से पहुँच जाता है। अब वो ये लाइन की हो गई, अब दूसरी लाइन की हारमोनियम में बता रहा हूँ मैं। अब जो है इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो है किस तरीके से अगर हम जो है देसी लाइन में या स्वामी जी की लाइन में कुछ भी गाएं तो जो है आराम से इस पर गा लेंगे, ठीक है? अरे सीधी कर ले गेलो चमक रहे महल भूप के मालूम है जी, याद ना और एक छू कर तले गए बैठ रे पन्नो भैया सारे। अब जो है यहाँ से देसी लाइन मिल सकती है, मैच हो सकती है, लेकिन क्लासिकल लाइन जो है वो यहाँ से मैच नहीं होगी। कुछ भी क्लासिकल में गा लो, जैसे क्लासिकल में हो गया। अगर इसी चीज को जो है अगर हम जैसे उस वाली हारमोनियम में जब हम सुर खोल कर गाएंगे तो यहाँ से आराम से गा लेंगे, और इसी चीज को अगर हम मध्यम आवाज जैसे इस रीड की आवाज पकड़ के गाएं तो नहीं हो पाएगा। जैसे श्री राम जाने की चेंजिंग हुआ ना उसमें, और इसमें कैसे चेंजिंग हो गया कि वो लाइन की हारमोनियम थी तो उसमें तो यहाँ से आराम से जो है खुल के आवाज़ निकल रही थी, और इसमें जो है मोटी कुछ आवाज़ निकल रही है जो है। अब हमें अगर जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जो है हम लोग यहीं से गाएं, नहीं मतलब क्लासिकल लाइन की और जो है डबल लीड की बात कर रहे हैं, आप यहाँ से गाइए, यहाँ से आपके 100% जो है 100% मैं बता रहा हूँ कि आपकी आवाज़ भी खुल जाएगी और आप जो है गाना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। कुछ भी जैसे वही चीज अब यहाँ से गा रहे हैं, देखिएगा कि श्री राम जानकी मेरे सीने में, कोई भी चीज गा लो श्री राम जानकी गाओ कुछ अब तुम श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में।
देख लो। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के, देख लो हो देख लो, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे जो है। आज से ये बात हमारी ध्यान कर लो कि हमें कौन से साथ से गाना है यहाँ से। अगर अगर सिंगल लीड की है तो एक दो तीन, एक दो तीन चार, ठीक है। चौथी अगर डबल लीड की हारमोनियम है तो गिनती कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ। नमी काली से हमको गाना है, आवाज़ मैच हो जाएगी। अगर हमारी फीमेल हैं, बहनाएँ वगैरह सीखती हैं, तो वो यहाँ से इसी चीज़ को गाएंगी, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत